त्याचा 11 ते 15 लुका अध्याय 7 और उसका 11 से लेकर 15 तक त्याचा 11 ते 15 थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माता का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। पुढे लवकर येशू अपने शिष्यासह नाइन नावाच्या गावी गेला। त्याच्या मागे नेहमीप्रमाणे लोकांची मोठी गर्दी होती। तो गावाच्या वेशीजवळ आला। त्याच वेळी गावातून एक अंत्ययात्रा बाहेर पडत होती। जो मुलगा मरण पावला होता तो आपल्या विधवा आईचा एकुलता एक होता। तिच्या बरोबर गावातील अनेक शोक करणारे लोक होते। प्रभूने तिला पाहिले तेव्हा त्याचे हृदय सहानुभूतीने भरून गेले आणि तो तिला म्हणाला बाई रडू नकोस। नंतर पुढे जाऊन त्याने तिरडीला स्पर्श केला तेव्हा तिरडी वाहणारे थांबले। येशू मृताला हाक मारून म्हणाला मुला मी तुला सांगतो उठ। तेव्हा तो मुलगा उठून बसला आणि आपल्या भोवतालच्या लोकांशी बोलू लागला। मग येशूने त्याला त्याच्या आईच्या स्वाधीन केले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? इधर देवाच वचन आपल्याला काय शिकवतो? अभी येशू यहाँ पर एक गाँव में गए हैं। येशू एका गावात गेले और वो और उसके शिष्य गाँव से जाते समय आणि तो आणि त्याचे शिष्य गावात जाता उन्होंने क्या देखा? त्यांनी काय पाहिलं? कि एक अर्थी जा रही है, एक तिरडी चालली आहे और वहां पर वो कहते हैं तिथे तू म्हणतो कि वो विधवा थी। ती विधवा होती और उसका एकलौता ही पुत्र था। तिला एकलौता एकच मुलगा होता। उसको ज्यादा बेटे नहीं थे। तिला जास्त मुले नव्हते। उसको पति भी नहीं था। तिला नवरा पण नव्हता। वो अकेली थी। ती एकटीच होती और उसका बेटा उसको एक ही था। तिला एकच मुलगा होता। इसी कारण से क्या करना क्या मालूम उसके बेटे को क्या हुआ था आणि ते तिच्या मुलाला काय झालेलं लेकिन वो मर गया। तो मेला वो मरने के कारण तो मेल्यामुळे वो विधवा बहुत रो रही थी। ती विधवा खूप रडत होती। खूप पीडा में थी। ती खूप पीडित होती। उसको बहुत तकलीफ हुआ। तिला खूप त्रास झाला। क्यों का? क्योंकि देखो एक तो उसको पति नहीं है। तिला नवरा नहीं है और उसको कोई सहारा नहीं है। तिला कोणी सहाय्य वो एक ही जवान वो भी जवान बेटा था तो तरुण मुलगा होता। आप खुद सोचो हर माता पिता अपने बच्चों को क्या करते बहुत प्यार करते हैं ना। हर एक आई वडील आपल्या मुलाला खूप प्रेम करतात। सही बात है। खरी गोष्ट आहे ना। ज्यादातर माँ क्या करती है आई काय करते हैं उनका प्यार ज्यादा रहता है बेटी के ऊपर। जे प्रेम मुलांवरती खूप असतं। वो ज्यादा बेटी को प्यार करती है जास्त मुलांना प्रेम करतात। वो एक हो दो हो तीन हो कितने भी बच्चे हो किती पण मुलं असू द्या वो क्या करते हैं ते काय करतात अपने बच्चों को क्या करते हैं ज्यादा प्यार करते हैं आपल्या मुलांना खूप प्रेम करतात। उसको तो दो तीन भी नहीं उसको तो एक ही था। तिला दोन तीन नव्हते एकच होता। एक ही बेटा होने के कारण एकच मुलगा असल्यामुळे बहुत रो रही थी ती खूप रडत होती। और प्रभु येशू को उसके ऊपर क्या आया तरस आया। प्रभूला तिला कळवळा आला। प्रभु रुका। प्रभु थांबला। प्रभु ने उस स्त्री को देखा आणि त्या स्त्रीला पाहिलं। वो विधवा रो रही है। ती विधवा रडत आहे। तकलीफ हो रही है। तिला त्रास होतोय। प्रभु ने रुक कर प्रभुने थांबून प्रभुने वहां पर 13 वचन में लिखा है 13 वचनात लिहिले प्रभुने तरस खाया और कहा आणि येशू कळवला आणि तिला म्हणाला मत रो रडू नको। प्रियो आगे वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आणि पुढे वचनात जाण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगते कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आई वडील आपल्या मुलाला खूप प्रेम करतात करते है ना। हर माता पिता प्रत्येक आई वडील अपने बच्चों को बहुत प्यार करते आपल्या मुलांना खूप प्रेम करतात। ज्यादातर जिनको बेटा रहता है ना ज्याला मुलगा असतो उनको ऐसा लगता है त्याला असं वाटतं की मेरा बेटा अच्छा पढ़े अच्छा काम करे सब कुछ उसका अच्छा हो आणि त्याला असं वाटतं की माझ्या मुलांनी चांगलं शिक्षण घ्यावं चांगलं व्हावे और मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे संभाले आणि माझा मुलगा मोठा होऊन मला सांभाळावा मुझे प्यार करे मला प्रेम करावा मेरे साथ रहे माझ्या बरोबर राहावा और मुझे छोड़ के नहीं जाए आणि मला सोडून न जावा। सही बात है। खरी गोष्ट है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना आताची जी मुला आहेत वो ऐसे अभी ये जवान क्या हो गया यहाँ पर मर गया ना आणि तो तरुण मेला तो वैसे आजकल के बच्चे लोग भी ना आताची मुला मरे हुए काम करते मेरे लिए काम करतात वो ऐसे मरे हुए काम करते हैं अशी मेरे लिए काम करतात वो मरे हुए कामों को देखकर माता पिता आज रो रहे आणि ती मेरे लिए काम पाहून आई वडील रडतात है। कैसे मरे हुए काम कसले मेरे लिए काम खुद सोचो तुम्ही स्वतः विचार आजकल के बच्चे आताची मुलं उलटा बोलने के लिए उलटा बोलण्यासाठी माता पिता के ऊपर हात उठाने के लिए आगे आई वडिलांवरती हात उचलायला कोणी असतं एकदम फास्ट जमाना है ना आणि एकदम लवकर जमाना आहे इसीलिए माता पिता कुछ भी बोल देते हैं डांटेंगे ओरडणार आई वडील
तो बच्चे तुरंत अपना हाथ उठाते आणि लगेच मुलगा काय करतात आपला हात उचलतात. पिताने हात उठाया, माने हात उठाया, उससे पहले बच्चों का हाथ उठ जाता है. आई वडिलांनी हात उघडायच्या अगोदर त्यांचाच उघडतो. फेसबुक फेसबुक और ऐसे बहुत सी अन्य बातें, खूप साऱ्या गोष्टी जिसके कारण लोक क्या हो गए हैं, त्याच्यामुळे लोक काय झाले, बच्चे मरे हुए काम करते, मुलं मेलेली काम करतात. माता पिता उनको बोलते हैं, आई वडील त्यांना म्हणतात, बेटा ऐसा मत कर, मुलगा असं करू नको, बेटा ऐसा मत करना, असं नको करू. लड़कियों को भी बोलते हैं, बेटी तू ऐसा मत कर. मुलीला पण बोलतात की तू असं नको करू. लेकिन बच्चे सुनते हैं, मुली ऐकतात का. वो अभी वो जवान जो मर गया था आणि हा तरुण जो मेलेला, उसकी माँ उसके पास रो रही थी, आई रडत होती. रोके रोके वो क्या बोलती होगी, रडत रडत ती काय म्हणत असेल, बेटा उठना, मुला उठना, बेटा तू अकेला ही मुझे था, तू उठ जा, तू एकटाच मला होता, तू उठ, ऐसी बोलती होगी ना, असंच बोलत असेल ना. सही बात है, खरी गोष्ट. ऐसे ही माता पिता भी है ना, ज्यावेळेस आई वडील पहले वो जवान ने सुना नहीं आणि त्या तरुणाने नाही ऐकलं, अभी उसकी माँ बोल रही उठ तो उसने उठना चाहिए, क्यों नहीं उठा. आणि आई ज्यावेळेस बोलते त्यावेळेस उठलं पाहिजे ना, का नाही उठला, क्यों नहीं उठा, का नाही उठला, नहीं उठा मालूम है लेकिन क्यों, तो मेलेला उसको सुनाई नहीं दे रहा था, त्याला ऐकता येत नव्हता. वैसे आजकल के जो बच्चे है ना, आताचे जे मुलं आहे, काम कर रहे हैं, जे काम करत आहे, ते कारण मरे हुए आणि ते मेलेले आहे. आपण को बताओ, तुम्ही त्याला सांगा मत करो, असं करू नको, वही काम करेंगे, तेच काम करना. सही बात है, खरी गोष्ट आहे. क्यों का, क्योंकि वो मरे हुए, ते मेलेले आहे. लेकिन जब माता पिता वो बच्चों के लिए रोते है ना, आई वडील ज्यावेळेस त्या मुलांसाठी रडतात, प्रभु मेरा बच्चा देखो इस भाग में मरा हुआ है, माझा मुलगा या भागामध्ये मेलेला आहे, ये काम कर रहा है, हा काम करतोय, मेरी बेटी ये काम कर रही है, माझी मुलगी ये काम करते है, भाग में मरी हुई है, या भागामध्ये ती मेलेली आहे. प्रभु को माता पिता के ऊपर तरस आता है आणि प्रभुला आई वडिलांवरती सहानुभूती येते. प्रभु कहता है मत रो, आणि प्रभु म्हणतो की रडू, बताय वो आज माता पिता को क्या कह रहा है. आज आई वडिलांना तो काय म्हणतोय, उसने क्या कहा, मत रो, रडू नको. और जब जो अर्थी उठाने वाले थे वो रुक गए आणि जे तिरडी उचलत होते ते थांबले. और येशूने जवान को कहा आणि तरुणाला म्हटला उठ उठ. उसने क्या कहा, तो काय म्हणाला, उठ उठ. उसने उसको मारा नाही आणि मारलं नाही त्याला, सिर्फ मुंह से कहा, फक्त तोंडाने म्हटलं क्या कर, तू काय कर, उठ उठ. लेकिन अभी के जो बच्चे है ना, आताची जी मुलं आहे, उनको प्रभु ऐसा नाही बोलेगा. प्रभु त्यांना असं नाही म्हटणार, बेटा हे काम छोड़ और माता पिता को आदर दे, मुला हे काम सोड आणि आई वडिलांना तू आदर, क्योंकि प्रभु तो ऐसा बोल रहा है, प्रभु तर असं बोलतोय. लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे, मुला ऐकत नाही है, प्रभु बोलता है, प्रभु बोलते माता पिता को आदर दो, आई वडिलांना वचन आता है, प्रत्येक रविवारी वचन येतं. लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे ना आणि मुलं ऐकत नाही ते. अभी के बच्चों को कैसे प्यार की भाषा नहीं समझती, आताच्या मुलांना प्रेमाची भाषा नहीं समझत, उनको काटी और मार की भाषा समझती, त्यांना काटी आणि माराची भाषा समझते. उनको प्यार से बोलो, त्यांना प्रीतीने बोला, बेटा एक ग्लास पाणी लेके आओ ना, मुला एक ग्लास पाणी आण ना, बेटा पाणी लेके आओ ना, मुलगा पाणी घेऊन येईल, बेटा पाणी लेके आओ ना, पाणी घेऊन गळा सूक जाएगा लेकिन पाणी नाही आएगा, गळा सुकेल पण पाणी नाही येणार, काठी दो काठी घ्या, जा जाके पाणी लेके आ, जा जाऊन पाणी घेऊन ये, तो जल्दी जाएगा आणि तो लवकर जाईल. उसको बोलो मस्ती नाही, बाळा मस्ती नाही करायची, गप बस, बाळा मस्ती नाही करणार, चुप बेट, बाळा मस्ती नाही करायची, गप्प बस, मस्ती नाही करणार, मस्ती नाही करायची, चुप बेट, गप्प बस. और मस्ती करेगा तो अजून मस्ती करेल, उसको काठी दिखाएंगे, त्याला काठी दाखवणार, काठी से मारेंगे, काठी भी मारणार, वो बच्चा फिर ऐसे ही देखेगा, आणि तो मुलगा असाच मारणार, ते मुझे मारती ती मला मारते, ऐसे नाही बाबा, मस्ती नाही करेंगे, मस्ती नाही करणार. सही बात आहे, खरी गोष्ट आहे. आणि अभी के बच्चों को मार की भाषा समजते ना, आताच्या मुलांना मारायची भाषा समजते. तो आप जो माता पिता आहे डरो मत, आणि तुम्ही आई वडील घाबरू नका. जो बच्चे जवान हो गए हैं, जे तरुण झालेत, आपका सुनते नाही है, उनका ऐकत नाही है, आप बहुत बोल रहे लेकिन सुन नहीं रहे, तुम्ही खूप बोलताय पण तुमचं ऐकत नाही, आप मारने के लिए जा रहे, तुम्ही मारताय त्यांना, हात पकड रहे हो, लोक हात पकडतात, आपको मारने नहीं देते, तुम्हाला मारू नाही देत. प्रभु क्या करेगा, प्रभु काय करेल, खुद उनको मारेगा, स्वतः त्यांना मारेल, उनको खुद मारेगा, त्याला स्वतः मारेल, मरे हुए कामों से उनको जिलाएगा, मेलेल्या कामातून तो जिवंत करेल. पंधरावे वचन में लिखा है, पंधरावे वचनात लिहिले, वो मुर्दा उठ बैठा आणि तो मेलेला उठला और बोलने लगा आणि तो बोलू लागला, जैसे आपके बच्चे भी मरे हुए में से जिलाए, मतलब उठ जाएंगे, आणि तुमची जी मुलं मेलेली आहेत ज्या भागामध्ये ते उठतील, प्रभु उनको नया जीवन देगा, प्रभु त्यांना नवीन जीवन देगा. और नया जीवन देने के बाद आणि नवीन जीवन दिल्यानंतर वो बोलने लगेंगे, आणि ते बोलू लागतील, या बोलने लगेंगे, काय बोलू लागतील, मम्मी पप्पा मुझे माफ करो, आई मम्मी पप्पा मला क्षमा करा,
मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मैं ऐसा ऐसा काम केला, ऐसा नहीं करना चाहिए था, असं होतं कराय पाहिजे, मैंने बहुत बुरा काम किया, मी खूप वाईट काम केलं, मुझे माफ कर, मला क्षमा कर, अभी से मैं ऐसा नहीं करू, आतापासून मी असं नाही करणार। आपको समझ में आया? तुम्हारा समझ लगा? प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? प्रभु से तो वचन काय म्हणता? जैसे वो विधवा को, विधवा के बेटे को परमेश्वर यीशु ने क्या किया? जिलाया। विधवाचा मुलाला यीशु ने जीवंत केला। वो जिलाने का सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर था, अंत जीवंत करण्याचा सामर्थ्य यीशु ख्रिस्ता मध्ये होता। वो कैसे आया? तो कसा आला सामर्थ्य? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थनेच्या द्वारे। उसने लाजरस को जिलाया, तेने लाजरला जीवंत केला, जवान को जिलाया, या तरुणाला जीवंत, यायर की जो बेटी थी उसको जिलाया, यायरची जी कन्या होती तिला जीवंत केला। आप तो बोलेंगे, तुम्हें मानना कि वो परमेश्वर का पुत्र था, तो देवाचा पुत्र होता, उसको क्या कठिन है? तेला काय कठिन आहे? भले उसका प्रार्थना का जीवन था, त्याचं प्रार्थनेचं जीवन होतं, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा हुआ, तरी पण तो उठून उभा राहिला। जितने जनों के लिए येशु ने बोला की उठ, तो उठ गए, आणि जेवढ्या जणांसाठी येशु म्हटला की उठ, ते उभे राहिले। परमेश्वर का पुत्र था इसीलिए हुआ ना, देवाचा मुलगा होता म्हणून असं झालं। आपको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभुचं वचन काय म्हणतं? हे करेंगे यहुन्ना, आपण करणार यहुमान, अध्याय 14, अध्याय 14 उसका 12, त्याचं 12, यहुन्ना सत्य सांगतो, मी जो कृत्य करतो ती माझवर विश्वास ठेवणारा ही करेल आणि तो त्यापेक्षा मोठी करेल, कारण मी पित्याकडे जात आहे। क्या कहता है प्रभु का वचन? प्रभु से वचन काय? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो माझे वरती विश्वास करतो, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, तो याच्या पेक्षा पण मोठी मोठी काम करेल। येशु ने अपने शिष्यों को कहा, येशु ने त्याच्या शिष्यांना म्हटलं, उस समय शिष्यों से कुछ सामर्थ्य काम नहीं हुए, त्यावेळेस शिष्यांकडून काही सामर्थ्य काम नहीं झालं, क्योंकि शिष्य, आप खुद सोचो कि जो फिट जिस लड़के को आता था, उस लड़के को शिष्यों के पास लाया, ज्याच्यामध्ये फिटकरी आत्मा होता त्याला घेऊन आले त्या शिष्यांकडे, तो वो शिष्य उसको चंगा मतलब कर नहीं पाए, आणि शिष्य त्याला आरोग्य देऊ नाही शकले, व दुष्टात्मा को निकाल नाही पाए, दुष्टात्म्याला तो काढू नाही शकले। क्यों? का? क्योंकि शिष्यों का प्रार्थना का जीवन उस समय नहीं था, आणि शिष्यांचं प्रार्थनेचं जीवन नव्हतं। येशु प्रार्थना के लिए याकोब, यहोना, पत्रोस को लेके जाता था, येशु याकोब, यहोन आणि पेत्राला घेऊन जायचा, वो बैठे रहते थे साइड में, ते बाजूला बसून राहायचे, लेकिन उनके अंदर कभी ऐसी इच्छा नहीं आई कि हमारा गुरु वहां जाके प्रार्थना कर रहा है, चलो हम भी ज्वाइन हो जाते। त्यांच्यामध्ये कधीच इच्छा नाही आहे की आमचा जो गुरु आहे तो प्रार्थना करतोय, आम्ही पण प्रार्थना करा। उनमें ये इच्छा आती थी, चलो गुरु प्रार्थना करने के लिए गए, हम सो जाते, आणि त्यांच्यामध्ये ही इच्छा होत होती की गुरु प्रार्थना करतोय ना, मग आम्ही झोपो। अभी वो एक घंटा प्रार्थना करेगा, कितना बातचीत करने के लिए हमको समय है, चलो अभी बातचीत करो, आता तो एक तास प्रार्थना करेल ना, मग आपण बोलूया। ये उनमें इच्छा आती थी, ते त्यांच्यामध्ये इच्छा व्हायची, लेकिन उनमें ये इच्छा नहीं आई कि हम येशु के साथ बैठ के संगति करें, पिता से प्रार्थना करें, त्यांच्यामध्ये ही इच्छा नहीं आली कि आपण गुरु बरोबर, येशु बरोबर प्रार्थना करें। लेकिन जब येशु मृत्यू से जी उठा, वो स्वर्ग गया, ज्यावेळेस येशु मेला आणि जिवंत झाला तो स्वर्ग गेला, तब शिष्य क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। शिष्य काय करू लागले? प्रार्थना करू लागले। तब शिष्यों ने प्रार्थना का जीवन शैली को बढ़ाया, आणि शिष्याने प्रार्थनेचं जे जीवन आहे ते वाढवलं। आपको पता है वो इतना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, आणि ते एवढे प्रार्थना करणारे व्यक्ति बनले कि पत्रस ने भी तबीता नाम की जो स्त्री थी उसको जिलाया, आणि पेत्राने पण जी तबीता नावाची मुलगी होती तिला जिवंत केलं, उसको क्या किया? तिला काय केलं? जिलाया, जिवंत केलं। उसकी वो जाता था, उसकी छाया के लिए लोग क्या करते थे? बीमार व्यक्तियों को लाकर रखते थे ताकि पत्रस की छाया उस पर पड़े और वो चंगाई प्राप्त करे। आणि पेत्र जाए जायचा त्याची सावली जे रोगी होती त्यांच्या वरती पडावी आणि ते उठून उभे राहावे म्हणून अंग उभे करायचे ठेवायचे। येशू परमेश्वर का पुत्र था, येशू देवाचा पुत्र होता, और पत्रस आणि पेत्र आपके और मेरे जैसा मनुष्य, आणि तुमच्या सारखा माझ्या सारखा माणूस होता, किया ना सामर्थ्य काम, आणि त्याने सामर्थ्याचं काम केलं ना, कैसे किया? कसं केलं? प्रार्थना के जरिए, प्रार्थनेच्या द्वारे। प्रिय, प्रार्थना में सामर्थ्य, प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे, सामर्थ्य खूप सामर्थ्य आहे, बहुत शक्ती आहे, आणि खूप शक्ती आहे। वो मरे हुए को जिला सकती है, आणि तो मेलेल्याला जिवंत करू शकते। मी आपको एक गवाही बताते, मी तुम्हाला एक साक्ष्य सांगते। आणि जो हिरा मौसी आहे, आमच्या ज्या हिरा मौसी आहेत, उनकी बहन का जो पती था, आणि त्याच्या बहिणीचा जो नवरा होता, वो बहुत सिरियस थे, आणि ते खूप सिरियस होते, आयसीयू में थे, आयसीयू मध्ये होते, और ऐसे में उन्होंने प्रार्थना किया, त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रार्थना केली, और दीदी को फोन लगा रहे थे, दीदीला ते फोन लावत होते प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करण्यासाठी, लेकिन दीदी का फोन नहीं लगा, दीदींचा फोन नहीं लागला। शनिवार को रात को वो मर गए, आणि शनिवार रात्री ते मेले, डॉक्टर ने बोला वो मर गए, आणि डॉक्टर म्हटले की ते तो मेला,
और आपको पता है उन्होंने प्रार्थना किया एंड देन ही प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु उसको जिला प्रभु यीशु तेरा जीवन तू सांस है तू श्वास है तू सांस है तू श्वास है तू मनुष्य को सांस देता है तू मनुष्य ना श्वास देता है प्रभु यीशु करके वो पुकार रहे थे एंड प्रभु यीशु म्हणून ते आवाज देत होते संडे को सुबह 6 बजे रविवारी सकाळी 6 वाजता उनकी उंगलियां हिलने लगी एंड त्यांचे बोट हलू लागले और उन्हें जान आया एंड त्यांना त्यांच्यामध्ये जीव आला इसको कहते प्रार्थना की सामर्थ्य त्याला म्हणतात प्रार्थनेचं सामर्थ्य अगर वो मरुभूमि से जिला सकता है एंड देव त्याला मेल्यातून जीवंत करू शकतो तो हमारी छोटी छोटी जो परेशानी आहे आपली जी लहान से परेशानी छोटे छोटे जो संकट है आणि लहान से संकट आहे उसमें से हमको पार नहीं कर सकता त्याच्यामधून देव पार नहीं करू शकत का कर सकता है करू शकतो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य प्रार्थना में बहुत शक्ति है प्रार्थना मध्ये खूप सामर्थ्य आहे प्रार्थना मध्ये खूप शक्ति है इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए त्यासाठी प्रभुचं वचन म्हणतं की तुम्ही जास्त प्रार्थना केली पाहिजे जितना प्रार्थना करेंगे ना जेवढी तुम्ही प्रार्थना कराल ना सामर्थ्य काम से होंगे तेवढे सामर्थ्याची काम आपल्या पूर्ण होते आश्चर्यकारक बातों को और सामर्थ्य कामों को हमारी आंखों से देखेंगे आणि तेवढे आपण आपल्या डोळ्यांनी आश्चर्यकारक आणि सामर्थ्य काम पाहू इसलिए प्रभु आपसे कहता है प्रार्थना करो त्यासाठी प्रभु म्हणतो की तुम्ही प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना इसलिए जैसे हम उसके भवन में आए हैं जैसे आपण त्याच्या मंदिरात आलोय आओ हमारी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे ये आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करो सर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे सर्वजण आपले डोळे बंद करून हम प्रभु से प्रार्थना आणि प्रभुकडे आपण प्रार्थना करूया प्रभु से विनती करेंगे आणि प्रभुकडे विनंती करूया हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपला देव प्रार्थना ऐकणारा देव आहे जब हम मध्यस्थी करते हैं ज्यावेळेस आपण मध्यस्थी करतो प्रार्थना करते हैं ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो येशू के नाम को पुकारते हैं येशूच्या नावाला आवाज देतो हमारा येशू सुनता है आपला देव ऐकतो येशू ऐकतो वो हमारे बोलने के लिए वो कान लगा के रहता है आपण जे बोलतो ना त्याच्याकडे कान लावलेले असतात उसके कान हमेशा हमारे और लगे रहते त्याचे कान हे ते आपल्याकडे लागलेले असतात कि हम बोले और वो सुने आणि आपण बोलावे आणि तो ऐकावा इसलिए प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रियांनो प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे प्रार्थना में अधिकार है प्रार्थनेमध्ये अधिकार आहे प्रार्थना में शक्ति है प्रार्थनेमध्ये शक्ति आहे इसलिए यासाठी अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करो तुम्ही तोंड उघडून प्रार्थना करा और जो लोग प्रार्थना नहीं करते जे लोग प्रार्थना नहीं करत वो प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं आज से प्रार्थना करूंगा प्रभुला म्हणा कि मैं आजपासून प्रार्थना करेल आज से मैं प्रार्थना करेल आजपासून मैं प्रार्थना करेल क्योंकि मुझे मालूम है प्रार्थना में शक्ति है मला माहित आहे प्रार्थनेमध्ये शक्ति आहे इसीलिए मैं आज से प्रार्थना करूँ यासाठी मैं आज पासून प्रार्थना कर मेरी प्रार्थना से माझ्या प्रार्थनेच्या द्वारे मैं तेरे पास करता हूँ जो मी तुझ्याकडे करतो मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखूंगा मी अद्भुत चिन्ह आणि चमत्कार पाहेल पवित्र 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 करुणा में प्रेमी पिता यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ प्रभु ये सारी गलीसिया के लोगों का प्रभु जो आपके बच्चे कहलाते हैं इनका प्रार्थना का जीवन होने के लिए सहायता करो और जैसे तेरी इच्छा है कि प्रभु हर एक जन प्रभु जो काम तूने किए वही ये भी करे और इससे भी बड़े काम करे इसलिए प्रभु इनके भी द्वारा प्रभु जो काम तूने किए वो होने के लिए और साथ साथ प्रभु उससे भी बड़े काम होने के लिए आप सहायता करो कि मेरी विनती है इसलिए इनका प्रार्थना का जीवन करो आज इन्होंने जो कुछ तुझसे मांगा प्रभु तूने दिया है सुना है सुनकर दिया इसे धन्यवाद देते इन सबको तेरे पंख में सुरक्षित रखना धन मान सम्मान से दुर्गा से दूर करना सदानंदित रहने के लिए सहायता करना आंखों की बुद्धि के समान संभाल लेना प्रभु खास करके प्रभु होता है लोगों के कुछ लोगों के गर्दन में प्रभु चमक बैठी है प्रभु रजनी के भी चमक गर्दन में चमक बैठी है ऐसे कितने लोगों के गर्दन में दर्द है चमक है वो सारी यीशु के नाम से निकालते यीशु के घाव से ये चंगी हो गई यीशु के लोग खाने से लोग चंगे हो गए ये वचन घोषित करते यीशु के नाम में मुक्ति यीशु के नाम में छुटकारा घोषित करते अब जो वचन आज आपने सिखाया ऐसे बहुत आए माता पिता प्रभु इन बच्चों के कारण दुखी है बहुत आए माँ अपने पिता प्रभु रो रहे हैं लेकिन बच्चों को दिख नहीं रहा है जैसे ये जवान मर गया उसके कारण उसको दिख भी नहीं रहा था कि उसकी माँ कितना उसके लिए रो रही है आज ऐसे कितने जवान प्रभु पापों में अपने अभिलाषा में घमंड में मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहे उनकी माँ उनके पिताजी उनके लिए रो रहे हैं आज उनको जिला प्रभु जो ऐसे जवान अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहते हैं जवानी की अभिलाषा में बदल गए और ऐसों को साथ देने वालों को प्रभु तो जरूर शिक्षा देता ऐसों को साथ देने वाले ऐसे लोगों को जवानों को भटकाने वाले लोगों को प्रभु पवित्र पिता तू जरूर झाड़ा देता मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता बच्चों से भी बढ़कर प्रभु तू माता पिता का तरस खाता है तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
कि कोई बच्चे अपने माँ बाप को दुखाए और अपने माँ बाप को तकलीफ दे, इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धार पवित्र पिता, हर बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहने के लिए, अपने माँ बाप के अधीन रहकर उनकी हर आज्ञाओं को मानने के लिए सहायता करो। ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। आज बड़े हो गए बोलकर अहंकारी घमंडी बनकर प्रभु पवित्र पिता वो दादागिरी अपने वो ताकत अपने माँ बाप पर इस्तेमाल नहीं करे। ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। उन जैसे तुमने उस माँ से कहा, उस विधवा से कहा मत रो, आज मैं भी यीशु के नाम से प्रभु वही वचन, जो माता पिता अपने बच्चों के कारण, अपनी बेटियों के कारण, अपने बेटों के कारण, अपने दामाद के कारण, अपने बहू के कारण रो रही है, आज तुम पर मैं यही कह रहा है मत रो। यीशु के नाम से प्रभु ये वचन उनके ऊपर रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके आंसुओं को तुम पोंछ दे प्रभु, और इनके लोग जो मरे हुए हैं उनको जिला कर। ये मेरी विनती है, क्योंकि तू ही उन्हें जिला सकता है, जैसे उस विधवा के बेटे को सिर्फ तू ही जिला सका, उसमें किसी में भी ये शक्ति नहीं सामर्थ्य, वैसे ही प्रभु आज इनके बच्चे, इनके लोग जो मरा हुआ सच जीवन जी रहे हैं, अबा उनको तू ही जिला सकता है, सिर्फ तू। इसलिए मेरी ये विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, सहायता करना प्रभु। सीता मौसी का लड़का प्रभु सुभाष मुंजाल को भी प्रभु जिला प्रभु, वो भी मरा हुआ है प्रभु, शाम को भी प्रभु जिला प्रभु, ऐसे सारे जवान प्रभु उन सबको प्रभु जिला प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सिद्धेश को भी जिला प्रभु। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मरे हुए हैं प्रभु अपने पेरेंट्स के लिए, उन सबको जिला प्रभु, यीशु के नाम से मेरे मन को ही प्रभु। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। ऐसे लोग भी जो प्रभु आज चर्च भी प्रभु, जो एक माँ है उसके भी बच्चे बपतिस्मा लेकर प्रभु घर में बैठे हैं, जिद्दी हट्टी बनकर संसार में फंसे हुए, आज मैं यीशु के नाम से प्रभु उन सारे बच्चों के लिए प्रभु उनको भी तू जिला प्रभु, और उन्हें वापस आने के लिए सहायता कर। तेरा वचन कहते ना लौट आने में ही तेरी वीरता है, तो प्रभु पवित्र पिता उन्हें लौटा लिया, यीशु के नाम से मेरे मन को धन्यवाद देते प्रभु। आई वे तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना, ये जिस काम में हाथ डालते उसमें तू आशीष देना प्रभु, इनके सारे मनोरथों को पूरा करना, इनके घर में शांति देना, इन्हें लगने वाली सारी जरूरतों को तू पूरा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना प्रभु। वही द्रविता भी मन मौसी को हमेशा चंगाई देना, हमेशा हृष्ट पुष्ट रखना, सदा निरोगी रखना, उसके बेटे को भी तू जिलाना प्रभु, उसकी बहू को जिलाना प्रभु। ये मेरी खास विनती है प्रभु, यीशु के नाम से मेरे मन वही द्रविता प्रभु, कितना दुख और दर्द ये पति पत्नी ने उठाकर बच्चों को बड़ा किया, आज बच्चे बड़े हो गए बोलकर बहू और बेटा ये सब तकलीफ नहीं देख रहे, आज मैं यीशु के नाम से इनके मरे हुए में भागों में से प्रभु पवित्र पिता इन्हें जिला प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, प्रदीप यीशु के नाम से जिलाया जाए, पूनम प्रभु यीशु के नाम से जिलाई जाए प्रभु, ऐसे बोलता है लोग है प्रभु, वो जिलाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करो प्रभु, धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, दया करो, धन्यवाद देते प्रभु। हमारे घर के लोग भी प्रभु जो तेरे पास नहीं है वो भी मरे हुए हैं, आज उनके कारण हम रो रहे हैं, उनको भी जिलाओ प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद देते प्रभु। आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित, यहाँ जितने जवान हैं प्रभु वो सब अपने माँ बाप को आदर देने के लिए, प्यार करने के लिए, मदद करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए सहायता करना, ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, सहायता करना, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दूंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।